अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मुझे पूरी उम्मीद है आप सब लोग जो हैं वो ठीक होंगे। तो यार वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर जो है आपके साथ काफ़ी ज़्यादा ई स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो है वो अपडेट शेयर करनी है, जिसके अंदर PMPL पाकिस्तान के रिलेटेड जो है वो काफ़ी एक बड़ी न्यूज़ आई है और इंडियन टीम जो है वो इस बार PMPL के अंदर खेल सकती हैं, उसके रिलेटेड जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और PMWI के रिलेटेड भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो निकल के आई हैं, तो मैं जो आपको सारी वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो आपने चैनल को जो है वो लाजमी जो है वो सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को जो है वो आपने लाजमी पूरा देखना है ताकि कोई भी टॉपिक जो है वो आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले तो जो हाउस ऑफ ब्लड का ऑफिशियल लाइनअप है वो अनाउंस हो चुका है। हाउस ऑफ ब्लड आपको पता है पाकिस्तान की फ्री फायर लाइनअप है, जिसने इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर जाके भी जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, तो उनकी ऑफिशियल लाइनअप जो है वो आ गई है। और अभी जो है वो सी इन्विटेशनल क्वालिफायर्स भी जो है वो शुरू होने लगे, तो आपने उसमें भी इन्हें सपोर्ट करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है ये टीम जो है वो ग्रैंड फाइनल्स के अंदर भी जो है वो क्वालिफाई करेगी। तो मेक श्योर टू सपोर्ट हाउस ऑफ ब्लड। उनकी जो इंस्टाग्राम की डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो मैं दे दूंगा। और अगर हम अपने मेन टॉपिक की बात करें तो जो PMPL पाकिस्तान का स्केड्यूल है वो ऑफिशियली पबजी वालों ने कल जो है वो लॉन्च कर दिया था, जिसके अंदर जो है वो 21 मार्च से आपका PMPL पाकिस्तान स्प्रिंग जो है वो शुरू हो रहा है। फॉर्मेट उसका मोस्ट प्रोबेबली पिछले साल वाला ही होगा। 12 टीमें जो हैं वो आपकी PMPL फॉल से आएंगी और 8 टीमें जो हैं वो आपकी नेशनल चैम्पियनशिप जो आपकी हुई थी उससे जो है वो इसमें आएंगी और पार्टिसिपेट करेंगी। तो ये काफ़ी जो है वो एक बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है जो साल के स्टार्टिंग वाले मंथ्स होते हैं उसके अंदर जो है वो कोई इतने खास बड़े इवेंट्स जो है वो पबजी मोबाइल के आते नहीं है रीजन स्पेसिफिक। तो ये PMPL पाकिस्तान जो है वो अब आ गया है और इसके अंदर जो है वो काफ़ी पाकिस्तान की बड़ी टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। जैसे तो कमेंट्स में जो है वो लाजमी बताएं आपको क्या लगता है इस बार PMPL पाकिस्तान कौन जो है वो विन कर सकता है। बाकी लाइनअप्स भी जो हैं वो टीम्स की मेरे ख्याल से अपडेट होती रहेंगी, PMPL पाकिस्तान जब करीब आ जाएगा तो वो भी जो है मैं आपको चैनल के ऊपर जो है वो अपडेट कर दूंगा। बाकी मुझे तो लगता है कि इस दफ़ा कोई नया सरप्राइज़ मिल सकता है आपको PMPL पाकिस्तान के अंदर, तो लेट्स सी कौन सी टीम जो है वो इस दफ़ा PMPL पाकिस्तान जीतती है। बाकी अगर हम अपनी अगली न्यूज़ की बात करें तो वो जो है वो एक काफ़ी एक बड़ी लीक जो है वो ये निकल के आ रही है। सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता है कि BGMI के जो र्यूमर्स हैं वो आने लग पड़े हैं कि BGMI जो है वो वापस आ रही है अप्रैल के शुरू के अंदर। काफ़ी सोर्सेज ने जो है वो ये चीज़ कंफर्म की है, आप लोगों को पता भी होगा। और 2 मंथ्स पहले ही जो है मैंने आपको वीडियो में ये भी बताया था कि ये भी एक लीक निकल के आई थी कि ग्लोबल मैच मेकिंग भी जो है वो BGMI के अंदर जो है वो ऐड अब की जाएगी। तो जब अभी कल पबजी ने जो है वो अपना ये PMPL का सारा स्केड्यूल जो है वो अनाउंस किया, तो उसके अंदर जो है उन्होंने साउथ एशिया चैम्पियनशिप की भी जो है वो डेट अनाउंस की है। तो अभी जो है वो ये सोर्सेज से ये बात निकल के आ रही है कि साउथ एशिया चैम्पियनशिप के अंदर जो है वो इंडियन टीम्स जो है वो ऐड हो सकती हैं, डायरेक्टली जो है वो इंडियन टीम्स को इन्वाइट किया जा सकता है साउथ एशिया चैम्पियनशिप के अंदर। अगर BGMI जो है वो तब अनबैन हुई तो इंडियन टीम्स जो है वो आपको इसके अंदर खेलती हुई दिख सकती हैं, तो इंडिया पाकिस्तान की टीम्स आपस में जो है वो आपको खेलती हुई नज़र आ सकती हैं। लास्ट टाइम जो मुझे याद पड़ता है किसी ऑफिशियल इवेंट के अंदर इंडिया पाकिस्तान की टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट खेलनी है, तो वो एक तो PMWI था और एक पबजी मोबाइल वालों ने जो है वो ऑफिशियल स्क्रिम्स अनाउंस की थी 2020 के अंदर PMPL से पहले। तो वो स्क्रिम्स भी जो है वो 2-3 दिन चली थी, उसके अंदर टीम सोल वगैरह बाकी पाकिस्तान की टीम्स वगैरह भी बबलू वगैरह भी जो है वो खेली थी। तो वही एक लास्ट जो है वो कुछ इवेंट था ऑफिशियल जिसके अंदर इंडिया पाकिस्तान की टीम्स खेली थी। तो ये अच्छी चीज़ है, ये होना चाहिए, इससे व्यूअरशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ होगी। और मेन चीज़ काफ़ी लोगों का जो है वो इंटरेस्ट जो है वो पबजी मोबाइल से ख़त्म होता जा रहा है, तो वो भी जो है वो वापस आना शुरू हो जाएगा। तो अभी अगर हम अपने PMWI की बात करें तो PMWI 2023 का जो है वो डिटेल्स कुछ निकल के आ गई हैं। PMWI 2023 जो है वो इस दफ़ा जुलाई के अंदर जो होगा और सेम जो पिछले साल लोकेशन थी वहीं पे जो है वो होगा। ये एक लैन इवेंट ही जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा पबजी मोबाइल की तरफ से। आपको मैं इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया भी जो है वो बता देता हूँ, काफ़ी जो है वो सिंपल सा है। बाकी पिछले साल भी जो है 2022 के अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके रिलेटेड वीडियोज़ जो है वो अपलोड की थी और काफ़ी टाइम पहले ही जो है वो आपको मैंने ये डिटेल्स इसके रिलेटेड दे दी थी। बाकी स्पोर्ट्स जैन वन ने जो है वो थोड़े दिनों पहले ये अपडेट किया है कि PMWI जो 2023 है वो आपका रियाद में ही होगा, जिधर पिछले साल जो है वो हुआ था। और जो इनवाइटेड टीम्स हैं उनके रिलेटेड भी जो है वो उन्होंने एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर की है, जो कि सिंपल सी है। आपका PMPL जो विन करेगा हर रीजन का जो भी PMPL होते हैं उधर से जो है वो आपको डायरेक्ट जो है वो इनवाइट मिल जाएगा। बाकी जिन रीजन्स के अंदर जो है वो गेम के दूसरे वर्जन खेले जाते हैं, जिस तरह चाइना के अंदर गेम फॉर पीस खेला जाता है, तो वहाँ से जो है वो PEL जो उनका टूर्नामेंट होता है उसका जो विनर होगा उसको जो है वो डायरेक्टली उसके अंदर इन्वाइट किया जाएगा PMWI के अंदर।
और जापान कोरिया के वैसे ही जो है वो अपने टूर्नामेंट्स होते हैं, उनका PMPL जो है वो अपना रीजन स्पेसिफिक जो है वो नहीं होता, तो जो उनके अपने मेन टूर्नामेंट्स होते हैं उधर से ही जो है वो उनके विनर को जो है वो इनवाइट किया जाएगा PMWI के लिए। तो कमेंट्स में बताएं आपको क्या लगता है कौन सी टीम जो है वो PMWI के लिए जा सकती है। बाकी चैनल को जो है वो आपने मस्त सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को जो है वो आपने मस्त लाइक कर देना है। आपसे यार पूरी ट्राई है, रेगुलर वीडियोस इंशाल्लाह आना शुरू हो जाएंगी। बाकी आप कमेंट्स के अंदर जो है वो बता भी सकते हैं किस टॉपिक के ऊपर जो है वो नेक्स्ट वीडियोज़ बनाई जाएंगी, क्योंकि ये ई स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो ये जनवरी फरवरी का मंथ होता है इसमें जो है वो काफ़ी कम जो है वो अपडेट्स आती हैं। तो यार मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और वीडियो को जो है वो आपने मस्त लाइक कर देना है। मिलेंगे आपसे फिर किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।